हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। स्वागत है रुबीनाज किचन में। आज हम बनाएंगे छेने का रसगुल्ला। बहुत ही इजी और आसान तरीके से मैंने इसे बनाना सिखाया है। बिल्कुल मिनटों में आप इसे बना लेंगी। देखने में बहुत मुश्किल लगता है लेकिन है बिल्कुल आसान। कितना स्पंजी और सॉफ्ट रसगुल्ला बन के रेडी हुआ है। आइए हम आपको दिखाते हैं कि ये स्पंजी और सॉफ्ट रसगुल्ला हम किस तरह से बनाएंगे, कितनी आसानी से इसे बना करके आप अपने मेहमानों को सर्व कर सकती हैं। सिर्फ 1 किलो दूध और शक्कर लगेगा, 250 ग्राम शक्कर। ये 1 किलो दूध है, इसे मैंने बॉयल किया है। ऊपर की मलाई हटा करके इसके अंदर हम 1 चम्मच विनेगर और करीब इसी चम्मच से 2 चम्मच हम पानी, जितना भी आप विनेगर लीजिएगा उसका जस्ट डबल पानी ले लीजिएगा और मिला करके, ये देखिए 2 चम्मच मैंने पानी दिया है और इसे खोल, दूध को मैंने पकाने के लिए चढ़ा दिया है और उसमें हम मिक्स करेंगे इस विनेगर के पानी को, ये देखिए इस तरह से, और ये डालते ही बिल्कुल इस तरह से फट जाएगा। ये देखिए कितनी आसानी से फट गया, बिल्कुल पानी अलग और छेना अलग हो गया। अब हमें इसको अच्छे से बॉयल कर लेना है। बॉयल करने के बाद पानी को अलग कर लेंगे हम और छेना अलग कर लेंगे। मैंने एक, ये देखिए इस तरह से ये छेना बिल्कुल अलग हो जाएगा और इस तरह से हम इस छेने का पनीर, मिठाई कुछ भी बना सकते हैं। ये मैंने छेना अलग करने दिखाया है। अब एक बर्तन में हम छन्नी लगा करके इसके पानी को अलग कर लेंगे और छेना को अलग कर लेंगे और करीब इसी तरह से 20 मिनट के लिए हम छोड़ देंगे ताकि ये ठंडा भी हो जाए और बिल्कुल पानी निचोड़ के रेडी हो जाए। इस पानी को आप किसी भी यूज़ में ले लीजिएगा। ये छेना ठंडा हो चुका है, इसे हम धो लेंगे 2-3 पानी। आप पानी का यूज़ भी ले सकती हैं, पानी को आप आटा गूंदने के यूज़ में ले सकती हैं, कबाब समोसा बना सकती हैं या फिर पिज़्ज़ा का आटा गूंद सकती हैं, उससे बहुत अच्छा सॉफ्ट और हल्का पिज़्ज़ा का आटा बनता है। आप किसी भी यूज़ में ले सकती हैं, उसे फेंकिएगा मत, फ्रीज में सेव कर लीजिएगा। और 20 मिनट तक के ठंडा होने के बाद इस छेने को हम, जब बिल्कुल पानी इसका निकल जाएगा, सूखा हो जाएगा, तब हम इसे यूज़ में लेंगे। और ये पानी देखिए इतना इसके अंदर था एक्स्ट्रा पानी जो निकल गया 20 मिनट छोड़ देने पर, ये बिल्कुल सूखा हो गया है। अब इसके अंदर हम इस स्टेज पर इसे हथेली से इस तरह से मसल कर चिकना कर लेंगे। ये देखिए बिल्कुल इस तरह से आप हल्के हल्के हाथों से इसको मसल करके बिल्कुल चिकना कर लीजिएगा। करीब 10 से 15 मिनट में ये चिकना हो जाएगा और जब अच्छी तरीके से चिकना हो जाएगा तब हमें इस स्टेज पर इसके अंदर कॉर्नफ्लोर पाउडर ऐड करना होगा। ये देखिए चिकना हो गया है बिल्कुल, और जब ये एकदम चिकना हो जाएगा तो इसके अंदर चिकनाई निकलेगा जैसे छेने के अंदर से निकलता है। और ये देखिए 1 चम्मच मैंने इसके अंदर कॉर्नफ्लोर पाउडर लिया है और उसे भी अच्छे से मिक्स कर लिया हथेली के सहारे और ये एक डो की तरह तैयार हो गया। अब जितना बड़ा भी आपको बॉल बनाना है उस हिसाब से आप इसको शेप दे सकती हैं, छोटा चाहे तो छोटा, बड़ा चाहे तो बड़ा। मैंने मीडियम साइज़ का बनाया है ताकि ये चाशनी में जाते ही ये फूल जाएगा पकते ही। और इसके सारे गोले मुझे रेडी कर लेने हैं इस तरह से, करीब 20 से 25 गोले बन के रेडी होंगे। और हम 2 कप करीब पानी लेंगे इसके अंदर और 1 कप शक्कर इसके अंदर ऐड करेंगे। 2 कप पानी में 1 कप शक्कर डाल करके मैंने इसे हल्का चाशनी तैयार कर लिया है। सारे गोले बन के मेरे रेडी हो गए हैं। अब इसे हम चाशनी चला के इसके शक्कर को घुला लेंगे। बहुत ज़्यादा तारदार नहीं बनाना है, हल्का ही बनाना है और इसी तरह खोलते हुए में ही हमें इसी जगह पर सारे रसगुल्लों को अपने ऐड कर लेना है जाएगा। तो ये बिल्कुल छेना सॉफ्ट और अच्छा स्पंजी तैयार हो जाएगा और चाशनी भी हल्का गाढ़ा हो जाएगा। इसीलिए मुझे हल्की चाशनी इसके लिए बनाना होता है, हमें गाढ़ी चाशनी नहीं बनाना होता है। और ये देखिए रसगुल्ला बिल्कुल बन के रेडी हो गया। 1 से 2 मिनट लगा है इसे पकाना, ज़्यादा वक्त नहीं लगता है इसे पकाने में, बस पानी बिल्कुल खौलता हुआ होना चाहिए जिससे ये अच्छा जालदार बन के तैयार हो जाएगा और इसी में एक अच्छा रसगुल्ले का सॉफ्ट बन जाएगा। देखिए अगर मेरा रसगुल्ला आपको, देखिए कितना सॉफ्ट बन के रेडी तैयार हुआ है। और अगर आपको मेरा रसगुल्ला पसंद आया हो तो प्लीज़ फ्रेंड हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल बटन दबाना बिल्कुल ना भूलें ताकि मेरी नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं आपकी मेरा छेने का रसगुल्ला आपको कैसा लगा, मुझे आपके कमेंट का इंतज़ार रहेगा। और प्लीज़ मुझे सपोर्ट करें ताकि हम और भी अच्छी से अच्छी रेसिपी आपको दे सकें। थैंक यू फ्रेंड, बाय।